छोटी मौत मारता है, धीरे धीरे खा जाता है। डर हावी नहीं होना चाहिए। जब ये आखिरी बार हावी हुआ था तो अंदर मुड़के मैंने पूछा, डर तुम शुरू कहां से हुए थे जनाब? लेकिन तब तक अकेला खड़ा था मैं, केवल मैं। ये डरपोक अंदर मुड़ना नहीं जानता। जीतने वालों को मेरा सलाम। ये मेरी 17वीं जंप थी, लेकिन आज हम लोग हेलो यानी हाई एल्टीट्यूड लो ओपन की तैयारी कर रहे थे, जिसमें दुश्मन के इलाके में बहुत ऊंचाई से कूदकर जमीन के पास पैराशूट खोला जाता है। क्योंकि जब सैनिक बहुत ऊपर से कूदता है तो दुश्मन को प्लेन जमीन से दिखाई नहीं देता। 30,000 फीट की ऊंचाई से नेवी सील पैराट्रूपर्स कूदते हैं और 1500 फीट पर अपना पैराशूट खोलते हैं, मतलब बीच के 28,500 फीट हवा में आप पत्थर की तरह गिरते हैं। पहले 2 हफ्ते केवल ये सिखाया गया कि एक जंप में क्या गलतियां हो सकती हैं और उनसे निपटना कैसे है। हेलो जंप के पहले दिन पूरी टीम प्लेन में साथ बैठी। जब प्लेन 20,000 फीट के ऊपर जाने लगता है तो डर लगता है, क्योंकि यहाँ गलती का दूसरा मौका नहीं है। प्रेशर में हर सील की अलग पर्सनैलिटी दिखती है। हर कोई अलग तरह से डर से निपटने की कोशिश करता है। कुछ आंख बंद करके बैठे होते हैं जैसे सो रहे हैं, कुछ जोर जोर से बातें करते हैं कि मजा तो जान की बाजी लगाने में है। लेकिन इस बारिश के पीछे से विचार सबको आते हैं कि अगर रिजर्व पैराशूट नहीं खुला तो जमीन पर ऐसे चिपकोगे कि पपड़ी की तरह चम्मच से कुरेद कर निकालना पड़ेगा। फिर हम में से कोई एक डर से ध्यान हटाने के लिए अपनी ड्रिल्स प्रैक्टिस करने लगता है और कुछ ही पलों में पूरा प्लेन प्रैक्टिस करने लगता है। जब हम रूटीन प्रैक्टिस करते हैं तो मन को लगता है कि सब कंट्रोल में है, सब अपनी मर्जी से हो रहा है, और डर से थोड़ी देर के लिए विजय मिल जाती है। तभी दरवाजा खुलता है। जब मैंने हमारे इंस्ट्रक्टर को देखा तब वह तेज हवा के वेग में 30,000 फीट की ऊंचाई पर लोहे की पतली रैंप पर खड़ा था। मैंने सोचा कि यह दुनिया का सबसे डरावना जोखिम भरा काम है, लेकिन वो इंस्ट्रक्टर अपने काम में तल्लीन था। पूरी टीम को हाथों के इशारे से समझा रहा था। मैकोविच कहते हैं कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि आप जितना ध्यान काम करने में नहीं बल्कि काम पूरा खत्म करने में लगाते हो उतना असर कम रहता है डर और केओस का। इस बार हमें 20,000 फीट पर पैराशूट खोलना था। जंप के दौरान जब पहली बार खोलने की कोशिश की तो खुला नहीं, फिर यही दूसरी बार हुआ, झटका मारने पर भी नहीं खुला। तीसरी बार आखिरी मौका था, जोर से झटका मारा तो बॉडी बैलेंस बिगड़ गया, पैराशूट खुला तो सही लेकिन पैरों में फंस गया। अब मैं सर के बल धरती की ओर खिंचा जा रहा था। ऐसे में दूसरा रिजर्व पैराशूट भी नहीं खोल सकता था, नहीं तो वो भी पैरों में फंस जाता। इन सब के बीच मैं तीव्र गति से मृत्यु की तरफ गिरता जा रहा था। जैसे ही ये विचार कौंधा, दिमाग के सारी उपयोगी काम, रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग सब बंद होने लगे। लेकिन एक चीज मेरे अनुकूल थी, मेरी ट्रेनिंग दुनिया के बेस्ट ट्रेनर से हुई थी। जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होती है उतनी आसानी से, उतनी जल्दी आप दुविधा और केओस से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही यह मुझे याद आया मेरा दिमाग वापस काम करने लगा। इस बीच 5 सेकंड निकल चुके थे। मुझे पैर में बंधे हुए पैराशूट को काटना था, लेकिन मेरी नज़र नीचे धरती पर गई। अगर आप धरती की ओर गिरते हैं तो ये आपको हिप्नोटाइज करते हुए आपको अपने अंदर खींच लेती है। मैंने बड़ी जल्दी से अपनी नज़रें हटाई, पैराशूट काटा और रिजर्व पैराशूट खोला। जब तक दूसरा पैराशूट खुला तब मैं 250 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गिर रहा था। आखिरी 500 फीट बचे थे धीमे होने के लिए। जब हम डरे होते हैं तो कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसकी तासीर ही ऐसी होती है। डर रिएक्टिव और डिफेंसिव होता है, वो हमको एक्सपेरिमेंट करने या सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी नहीं करने देता। मैंने जैसे तैसे लैंड किया। मैं जंप के पूरे समय यही सोच रहा था कि अब क्या करें, अगला कदम क्या है। अगर ट्रेनिंग ना मिली होती, ऐसे सोचना ना सिखाया गया होता तो मैं नहीं बचता। मैक कहते हैं कि सील में कहावत होती है, युद्ध के समय सैनिक का दिमाग पानी बनकर कानों से बह जाता है। अगर आप डर से खेलना नहीं जानते तो ये आपको शटडाउन या स्तब्ध कर देगा। दोस्तों, हमको उम्र निकलने से पहले डर के पार जाना सीखना होगा, नहीं तो आपको जीवन के हर स्टेज में, कॉलेज, नौकरी, जॉब, बिजनेस आदि आदि दिक्कतें आती रहेंगी। डर आपको फ्लो में आने से, बहने से रोकता है।
और दोस्तों कितना भी मीठा स्वच्छ पानी हो रुका हुआ बास मारने लगता है। दोस्तों वीडियो हमें इस मोड़ पर ले आया है कि अब पूछना मुनासिब है कि डर को जीते कैसे। पहली बात कि इक्वेशन में जितने ज़्यादा अननोन या वेरिएबल होंगे उतना ज़्यादा डर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि अपने बाजू पर दूसरे हाथ से मुक्का मारिए, लो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है आप कहेंगे। अब मैं कहूँगा कि दूसरा पहलवान बुलाया है आपको धीरे से मुक्का मारेगा, तो आप थोड़ा संकोच जरूर करोगे क्योंकि आपको नहीं पता कि पहलवान नॉर्मल है या सनकी है, पता नहीं वो कितने ज़ोर से मारने वाला है, कब कहाँ कैसे कौन और क्यों। जितने सवालों का जवाब नहीं होता उतना डर लगता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी प्रैक्टिस, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन और ट्रेनिंग से इन सवालों का जवाब पहले ही तैयार रखें। यही सबसे अच्छा तरीका है डर से निपटने का। दूसरी बात है कि चैलेंजेस खुद चुनिए। अगर आप अपनी ट्रेनिंग और बैटल खुद नहीं चुनते तो पूरी ज़िंदगी रिएक्शन और सर्वाइवल में निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि चैलेंजेस तो सबको आते हैं, लेकिन खुद आपको अपनी लाइफ चैलेंजिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुद अपने संघर्ष चुनते रहिए और पूरे करते रहिए। जैसे अगर मुझे पब्लिक स्पीकिंग या इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत डर लगता है तो इसे मैं पहले ही टारगेट बनाकर पूरा कर लूँगा, जिससे कभी मौका छूटने का मलाल ना हो। जब आप ट्रेनिंग या तैयारी करते हैं तभी आप रिएक्शन और सर्वाइवल से आगे निकल सकते हैं। ट्रेनिंग में दर्द युद्ध से कम होता है क्योंकि उसमें टेंशन और कन्फ्यूजन नहीं होता, यहाँ सीखने का मौका होता है। डर से निपटने के लिए एक आखिरी बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि हमारी टॉलरेट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। हम 40% रूल में देख चुके हैं कि जब शरीर और मन थकते हैं तब हम इनकी केवल 40% कैपेसिटी पर पहुँचते हैं। उसी तरह से हम अपनी लाइफ में कई चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि आपको सुबह 3 बजे उठना है तो आप कहेंगे जी ना हो पाएगा, लेकिन अगर आपको अगले दिन सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़नी होगी तो आप 3 बजे बिस्तर पर खड़े मिलेंगे, चलो भाई ट्रेन पकड़ना है आज। मतलब हम सबके अंदर कंट्रोल और टॉलरेट करने की भारी क्षमता होती है, बस इसे बार बार इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। इस कला के 3 पैरामीटर्स हम वॉरियर सीरीज के अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वैसे तो यह वीडियो प्रैक्टिकल ज्ञान से घना है, मैं कुछ बातें अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। पहला, जब भी डर चिंता आसपास भटके तो ध्यान को जो काम सामने है उस पर ही नहीं बल्कि उसे पूरा करने पर होना चाहिए। ऐसा करते करते कभी फ्लो आ जाता है, नहीं तो डेलिबरेट प्रैक्टिस होने लगती है कि हाँ भाई इस काम को इस पार्ट में तोड़ा जा सकता है और इस पार्ट में सुधार लाया जा सकता है, और ऐसा करते करते ध्यान डर से हट जाता है। दूसरी बात लीडरशिप के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम या कोई दूसरा डरा हुआ है तो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगा, हमेशा मुसीबत दूसरे पर डालता रहेगा, इसलिए पहले अपना और दूसरों का डर शांत करना ज़रूरी है। और तीसरी बात, एक अच्छे मेंटर, ट्रेनर या कोच की क्वालिटी होती है कि वो आपको गलती और चोट से बचाता है और मुसीबत से निकलना सिखाता है। एक अच्छा मेंटर आपके बहुत साल और एनर्जी बचा सकता है, इसलिए काम छोड़कर इनका इंतज़ार तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक अच्छा मेंटर ढूंढते रहना चाहिए। दोस्तों जब भी आपके पास समय हो तब फ्लो पर वीडियो ज़रूर देखिए या अभी सेव कर लीजिए, जहां हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने शरीर और दिमाग को उनकी सीमा से परे ले जा सकते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।